पे भी छत पे झंडा फहराया हुआ है। यहाँ सब लोग खाना वाना बना रहे हैं। तो मटके पड़े हुए थे काफी लंबे समय से दिख रहा है मुझे, यहाँ से जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है मेरा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज है दिन 15 अगस्त का, और 15 अगस्त की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों ने अपना 15 अगस्त कैसे मनाया ये नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और पीछे का आप लोग व्यू देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत है, ढेर सारी हरियाली ही हरियाली है। और हमारे यहाँ आज रात में हुई थी बहुत ही दमदार मूसलाधार बारिश, और जिससे कि मौसम हो गया है बहुत ज़्यादा सुहाना। 15 अगस्त मनाने का जो मज़ा है वो दुगना हो गया है। तो मौसम बहुत ही ठंडा है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है, और मैं भी नहा हुआ एकदम रेडी हो गई हूँ। तो हमारे यहाँ पर बगल में निरंकारी भवन है जहाँ की मम्मी जाती हैं, तो आज वहाँ पर मम्मी की तरफ से जो है 51 रोटियों की सेवा है। तो वहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वहाँ लंगर आज है, लंगर वहाँ चलेगा आज। तो वहाँ पर जितने भी आते हैं लोग सत्संग में, तो सभी के यहाँ से रोटी बन के आएगी। बाकी की जो चीज़ें होती हैं जैसे सब्जी दाल वगैरह सब वहीं पर बनता है, लेकिन रोटी लोग अपने घर से बना कर लाते हैं। तो हमारे यहाँ से मम्मी जाती हैं, तो मम्मी की तरफ से जो है 51 रोटियों की सेवा है। तो मैंने आटा गूंथ के रख दिया था, तो कल्पना और मम्मी नीचे मिलकर शायद बना रहे हैं, तो चल के मैं भी देखती हूँ क्या बन रहा है। और तबीयत मेरी ठीक है, पहले से काफ़ी ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे कमज़ोरी ज़्यादा है, तो डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए बोला है, लेकिन मैं रेस्ट करती नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं लेट जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा बीमार हो गई हूँ, इसलिए मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो अभी मैं ब्लॉगिंग जब करती हूँ तो ब्लॉगिंग में भी काफ़ी एनर्जी जाती है, क्योंकि हर समय अपडेट रहना पड़ता है, वीडियो शूट करना, एक एक पल को कैप्चर करना, तो भी अपने आप में बड़ी बात होती है। क्योंकि लोगों को देखने वालों को तो लगता है कि अरे ब्लॉग ही तो बना कर रखा हुआ है, पर ऐसा नहीं है, ब्लॉग बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और मेरे पीछे का व्यू देखिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आँखों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो मुझे जैसे जब भी काम से फुर्सत मिलती है सुबह और शाम, तो मैं छत पे आ ही जाती हूँ। सुबह मैं आती हूँ, थोड़ा सा टहलती वहलती हूँ यहाँ पर, और शाम को भी आती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो अभी चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या हो रहा है। नाश्ता वास्ता मैंने कल लिया है, तो आज मेरा सोमवार का फास्ट भी था, तो मखाना वखाना ड्राई फ्रूट्स वगैरह यही सब खाया है मैंने। तो चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या बन रहा है किचन में। और उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ का पूरा व्यू, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, एकदम हरियाली छाई हुई है। और अभी यहाँ पर जो है ना, दो दिन पहले यहाँ पर नहर टूट गई थी, पूरा खेतों में पानी भर गया था, लेकिन वो पानी जो है इन खेतों के लिए जो है वरदान हो गया, क्योंकि खेत सारे सूखे हुए थे, तो पानी पाते ही सब हरे भरे हो गए, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। और जब खेतों में पानी भरा तो भगवान जी भी मेहरबान हो गए, इंद्र भगवान भी बारिश करने लगे हैं। तो अभी बहुत ही अच्छा लग रहा, चाहो तो हरियाली हरियाली है। और ये चीज़ें तो सिर्फ ना गाँव में मिल सकती है, शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकती है। शहरों में तो जहाँ दूर दूर तो देखो सिर्फ मकान ही मकान दिखते हैं, तब भी लोग शहरों की तरफ ही भागते हैं, पता नहीं क्यों, अपना गांव अपना खेत खलिहान छोड़ करके। यहाँ का जो व्यू है इतना सुंदर दिख रहा है, मुझे यहाँ से जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। मेरा मन कर रहा है मैं यहीं पर खड़ी रहूँ, क्योंकि मैं काफ़ी देर से यहाँ पर खड़ी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे यहाँ से बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है। मैं क्या कोई और भी रहती, किसी का भी नहीं जाने का मन करेगा, इतनी सुंदर हवा चल रही है, इतना अच्छा मौसम है। मेरी तबीयत तो मतलब आधी क्या पूरी ठीक हो गई है ये सब देख करके, बहुत ही अच्छा लग रहा है इस समय। यहाँ पर हमारा झंडा देखिए ये फहर रहा है, हमने फिर पीछे से झंडा फहराया हुआ है, आपको एक वीडियो में देखने को मिला होगा रक्षाबंधन वाले में। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा झंडा कितनी तेजी से उड़ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मम्मी और कल्पना जो है रोटी बनाते हुए, रोटी बन गई है इन लोगों की, कोई देख ही नहीं रहा, सब गुस्सा है। सो गाइस, तो अभी मैं जा रही हूँ भवन पे रोटी पहुँचाने, क्योंकि मम्मी की तबीयत तो ठीक है नहीं तो जाएंगी नहीं, और कल्पना थोड़ा सा घर का काम निपटा रही है, तो मम्मी बोले जाओ उसको पहुँचाओ तुम, तो मैं जा रही हूँ। तबीयत तो मेरी भी ठीक नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, काम है। तो दोस्तों आज है 15 अगस्त, तो यहाँ पर चारों तरफ जो है बहुत ज़्यादा गाने बज रहे हैं, तो मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे वीडियो पे जो है कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, क्योंकि गाने बहुत ज़्यादा बज रहे हैं।
और बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी, यहाँ बगल में ही है। मौसम ठंडा है तो ठीक लग रहा है जाने में, नहीं अब तो पसीना पसीना हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं भवन में आ गई हूँ, तो यहाँ पर अंकल जी लोग बैठे हैं, तो मैंने यहाँ पर रोटी जो है दे दी है इन लोगों को। और आगे क्या है, पार्वती आंटी उधर बैठी हैं, कहाँ वो उधर किसको आंटी जी को आज यहाँ पर लंगर है। मम्मी आती है ना मेरी, तो उनकी तबीयत भी ठीक चल रही है। मीना मैं आंटी जानती हैं, तो यहाँ पर जो है मैंने रोटी वोटी दे दी है सबको। यहाँ से हम लोग चलते हैं, काम खत्म हो गया है। यहाँ सब लोग ड्रेस में, मुझे लगा पुलिस वुलिस वाले हैं क्या सब लोग। यहाँ पर खाना बन रहा है क्या? जी अंदर लगा है। अच्छा देख देख ले। तो यहाँ पर जो है खाना दे, खाना वगैरह बन रहा है। और यहाँ पर ये लोग सेवा कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं आप लोग। अच्छा यूट्यूब पे आएगा ये ब्लॉग। यहाँ पर देखिए सब लोग सेवा दे रहे हैं, यहाँ पर सब लोग खाना वाना बना रहे हैं। खाना वाना बन गया नहीं अभी? बैठ जाइए। तो यहाँ पर देखिए सब लोग खाना खा रहे हैं, आते जाते खाते जाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। ये ना अच्छा अच्छा क्या नाम है मम्मी? मीना बहन जी। मीना बहन जी की बेटी हैं आप? हाँ हाँ जानती हैं। ये तो कहाँ भेजना है? तो अभी मैं यहाँ से चल रही हूँ। आप पूजा नहीं आई है क्या? पूजा भी तो आती है ना? हाँ आती है, आई तो भवन में है। तो यहाँ पर ये पूजा दिख गई पहचान की, हम पूजा नहीं 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 नहीं। हाँ, पूजा दिख गई यहाँ पर। पूजा ये लोग यूनिफॉर्म में है क्योंकि ये लोग यहाँ पर सेवा दल बोलेंगे। हाँ सेवा दल में है तो सब लोग अपना यूनिफॉर्म में रहते हैं। यहाँ पर जो भी सेवा रहती है तो यही लोग करते हैं। यहाँ पर खाना खिलाना, पानी पिलाना और भी जो भी यहाँ पर रहती है व्यवस्था, सब सारी व्यवस्था देखते हैं ये लोग। वैसे पूजा अच्छी लग रही है यार, बेटा इसका भी अच्छा ले लिए। सब लोग आ गए हैं, सब लोग आ गए हैं। मम्मी नहीं आएंगी, देखे हैं वहाँ चलो ठीक है पूजा चलते हैं। बता देना इन लोगों को मेरे चैनल के बारे में, कार्ड में लेकर आई नहीं हूँ। चलिए दे दीजिएगा, हम लोग दे देंगे। ठीक है चलो ठीक है चलते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी मैं सबसे मिल उल के अब वापस जा रही हूँ घर के लिए, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक थी नहीं, तो इसलिए अपने घर के लिए जा रहे हैं। मम्मी होती तो मम्मी आती हैं, थोड़ा बैठती उठती हैं लोगों के बीच में। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी थकावट लग रही है, तबीयत नहीं ठीक है। और बहुत सारे लोग तो कैमरा देख कैसे डर जाते हैं ना, लगता है क्योंकि पता नहीं क्या है, क्योंकि वहाँ पर जैसे मैंने कैमरा ऑन किया तो बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन मैंने पहले से ही परमिशन ले ली थी तभी मैंने वहाँ पर शूट करना शुरू किया है। तो कुछ लोग आकर बोले कि नहीं इन्होंने परमिशन ली है तब इन्होंने तब ये वीडियो बना रही हैं, तब उठ गए ठीक है बना लीजिए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता ना क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो बोले कि आपने परमिशन ली है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं तो जानती हूँ ऐसी जगह परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना मतलब ऑब्जेक्शन कर जाते हैं, तो मैंने पहले ही परमिशन ले ली थी। तो अभी मैं चल देती हूँ घर के लिए क्योंकि घर पर ही चल के रेस्ट करूँगी।
ऐसा लगता है कहीं बाहर घूमने चले जाओ किसी पहाड़ी जगह पर। तो अभी जो आ गई हूँ मैं अपने घर पर, और अभी मैं चल रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है और तबीयत भी ठीक नहीं है और फास्ट भी है मेरा मंडे का। तो सुबह मैंने नाश्ता वगैरह किया था, नाश्ते में क्या कुछ ज़्यादा नहीं खाया था, चाय पी थी और मखाना, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खाए थे। तो जैसे थोड़ा सा हीमोग्लोबिन डाउन है तो उसकी वजह से मुझे थकावट ज़्यादा हो रही है। तो रेस्ट करती हूँ फिर उसके बाद देखते हैं। सो गाइज, अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 बज रहे हैं और जो है 15 अगस्त बन गया है, लेकिन अभी भी जो 15 अगस्त की जो धूम है मची हुई चारों तरफ, इतने जुलूस निकल रहे हैं, बाइक से निकल रहे हैं, रिक्शे से निकल रहे हैं, पैदल निकल रहे हैं और डीजे चल रहे हैं। तो सुबह से बहुत ज़्यादा गाने बज रहे हैं और यहाँ पर तो घर के मतलब घर के आंगन में खड़ा होना मुश्किल है, इतना ज़्यादा शोर हो रहा है, गाने बज रहे हैं, सब देशभक्ति के रंग में एकदम डूब गए हैं। और तो मैंने अपनी क्यारी में काम किया है और एक तुलसी का पौधा था तो उसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है गमले में। तो मुझे अभी पूजा वगैरह करनी है, तो बारिश का मौसम है तो हो सकता है पूजा करते समय बारिश होने लगे, इसलिए मैंने तुलसी के पौधे को जो है पहले से गमले में ट्रांसफ़र कर दिया है और जब तक मेरी पूजा होगी तब तक वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ उसकी एक झलक। ये रहा वो पौधा, इसको मैंने अभी लगाया था, उसमें मैंने इसे पानी उनी डाल दिया है। हवा यहाँ पर बहुत तेज चल रही है। तो यहाँ पर 2 मटके पड़े हुए थे काफ़ी लंबे समय से, जो कि हमारे यहाँ एक प्रोग्राम था शादी का तो उसी में ये आया था। तो अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है तो कोई यूज नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें मिट्टी भर के कुछ पौधे लगा देती हूँ, कुछ काम हो जाएगा क्योंकि ऐसे ही रखा हुआ है स्टोर रूम में काफ़ी लंबे समय से। तो मैं सोच रही हूँ इसमें मिट्टी आज भर ही देती हूँ। एक बार ले आई फिर लेकिन काफ़ी दिन तक ये नीचे रखा रहा, फिर उठा कर ले गए सब लोग इसको ऊपर रख दिए, तो आज मैं फिर से इसको ले आई हूँ नीचे, आज मैं ऐसा काम कर ही डालती हूँ। तो गाइस, तो अभी मैं मिट्टी भरने जा रही थी तो मम्मी डांटने लगी हैं, मम्मी कह रही है कि व्रत भी है और जो है तबीयत भी नहीं ठीक है तो आज ये काम करना ज़रूरी नहीं है, कल कर लेना। तो ठीक है, सो कल कर लेते हैं, आज नहीं करेंगे। सही भी कह रही हैं, अभी करेंगे तो तबीयत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ा सा आराम है तो रहने देते हैं करने के लिए। हाँ, मम्मी जो है चावल साफ कर रही हैं, तो मैं साफ करके रखी हुई थी तो ख़त्म हो गया है, मम्मी कहीं लाओ खाली बैठे हैं, चावल ही साफ कर डालें। तो मम्मी हमारी जो है एक एक दाना साफ करती हैं चावल, और चावल तो साफ करती हैं, एक एक दाना गेहूं भी साफ करती हैं, इसीलिए हम लोग इतने हट्टे कट्टे हैं। और यहाँ पर जो है एक लोग जो है किचन में काम करने में बिजी हैं, बर्तन धुलने में, और यहाँ पर आटा पिसा कर आया हुआ है, इसको भी डिब्बे में भरना है। तो ये सारे काम अब कल होंगे, आज कुछ नहीं होंगे क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है, ज़्यादा काम धाम नहीं करना है। तो कल मैंने बर्तन तो साफ कर दिए हैं और रात के खाने में क्या बनेगा अभी कुछ पता नहीं है। सो गाइस, तो आज का जो ये एपिसोड है मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा, और जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हमारे मेन कुकिंग चैनल को भी आप ज़रूर विजिट करिएगा, लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, उस पर आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी देखने को, और इस चैनल पर आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे देखने के लिए। और साथ ही दोस्तों, मैं अपने चैनल का जो नाम है चेंज करने वाली हूँ, ऊपर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने चैनल का नाम क्या रखूँ, अगर आप लोग मुझे कुछ बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं अपने चैनल का नया नाम क्या रखूँ। और इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, स्वस्थ रहिए।